तपस्वी छाम ने महंत पर महंत दास राम मंदिर निर्माण को लेकर बुद्धि शुद्धि योग किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के यजनाम के रूप में मौजूद रहे सभी ने हवन के सामने पूजा अर्चना की। मुस्लिम समाज में अपने संबोधित करते हुए राम मंदिर का निर्माण को लेकर राजनीतिक पार्टी में रोटी रोकने का काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर फैजाबाद तरक्की होता जा रहा है। मुस्लिम महिलाएं राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में हवन शुरू हो गया है, जिसको लेकर अयोध्या में हवन में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग। राम मंदिर निर्माण जल्द होगा। फैजाबाद में अमन चैन बंदरा राजनीतिक पार्टी हिंदू समाज के मन की तरफ से बीच बनते जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर कोर्ट में राम मंदिर निर्माण को लेकर सुनवाई होगी। इस युग को प्रभाव में पेश कर बैठे जजों को विधि में बुद्धि महंत ने कहा है कि तीन शांति अनुकूलन है, तंत्र लोक और तंत्र लोग और देव शक्ति राम मंदिर निर्माण को लेकर 99% चाहते हैं। आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए तुफेल अहमद की रिपोर्ट अयोध्या से। अति शीघ्र राम मंदिर निर्माण महायज्ञ का पुनौती होने जा रही है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू मुस्लिम सब लोग एकजुट होकर के अति शीघ्र राम मंदिर निर्माण महायज्ञ जो है आज पूर्ण किए। इससे ये संदेश हम देना चाहते हैं कि सब हिंदू मुस्लिम सब चाहते हैं कि राम मंदिर बन जाए, निर्बाध रूप से बन जाए। हमारा कोई मैं आहुतियाँ डाली, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने भी डाली, किस तरीके से लेते हैं, क्यों ये किया गया और क्या मंदिर निर्माण के लिए किया गया या क्या मामला? ये अति शीघ्र राम मंदिर निर्माण महायज्ञ का आयोजन रहा आज। विश्व इतिहास में पहली बार जो है हिंदू आचार्य मुस्लिम यजमान दोनों लोग आगे आए, और ये जो लंबे समय से हिंदू मुस्लिम को जो एक लोग जो है तूल दे रहे थे विवाद का, आपसी जो है कई बार रंजिश पैदा करने की जो ये साजिश की जा रही थी, उसको आज हम लोग दरकिनार कर दिए हैं। और ये हम लोगों ने आज संदेश दे दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट है और सब भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, कोई विवाद नहीं चाहता है, कोई जो है मरना कटना नहीं चाहता है, और इस तरह से जो गलत राजनीति है वो खत्म होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम सब एक भाई जैसे है, भाई जैसे रहेंगे। राम मंदिर सब लोग चाहते हैं। बाबर आतंकवादी था और आतंकवादी का कोई भी मुसलमान यहाँ पक्षधर नहीं है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, यहाँ केवल राम मंदिर बनेगा, इसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट है। आज हम लोगों ने जो है यहाँ जो है 99% मुसलमान बहुत जल्दी राम मंदिर का निर्माण कराए। अब हम लोगों का धैर्य टूट गया है, अब मुसलमानों को कलंकित न किया जाए। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है कोई बाबर का पक्षधर नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान सब खुदा के बंदगी करते हैं, सब खुदा के भक्त हैं, बाबर के भक्त कोई नहीं है। बाबर का लड़ना नहीं चाहता है, भाईचारे से रहना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एकजुट है राम मंदिर के लिए, राम मंदिर बनाया जाए और हम लोगों का जो भाईचारा है, हम लोगों का प्रेम जो है वो सदैव बना रहा है, और लड़ाने की जो साजिश है वो बंद होनी चाहिए। राजनीति जो है आप कैसा है, 1% लोग हैं, 1% लोग वही दौड़ दौड़ कूद कूद करके हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है ये खाई बनाते जा रहे हैं, इसको तूल देते जा रहे हैं। तो हम 99% लोगों की उपेक्षा की जा रही है। जो लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं उनको जो है नजरअंदाज कर